लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की। डिवाइन मैस्कुलाइन से आप सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, माना कि काफ़ी दुख है, सेपरेशन है और सफरिंग चल रही है, फिजिकल पेन भी हो रहा होगा क्योंकि इनर वर्क आप कर रही होंगी। तो क्योंकि होता ही है, इसमें इनर वर्क आप कहीं से सीखें या ना सीखें ज़रूर होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अभी आपके लिए क्या निकल कर आ रही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, अभी देख लेते हैं। क्योंकि आप सेपरेशन में हैं, जस्ट प्लीज़ बताएं कि ये डिवाइन फेमिनाइन जो सेपरेशन में है इस टाइम उन्हें क्या मैसेज। ओह माय गॉड, रिवर्स में। अगर आप मैरिड हैं तो शायद आप पूरी तरीके से या तो डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स जैसी ही सिचुएशन आपकी बनी हुई है। ये जो सिचुएशन है ये ठीक नहीं है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद बच्चे भी हैं आपके साथ, बच्चे या बेबी, कोई एक चाइल्ड, एक भी हो सकता है, दो भी दिख सकते हैं, दिख रहे हैं यहाँ मुझे। तो हो सकता है कि आप, आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन अभी कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हों, अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हों और आपकी तरफ भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप सेपरेशन पीरियड में चल रही हैं। देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन यही सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को किस तरह से इस परिस्थिति से बाहर निकालूँ, इस सिचुएशन से मैं किस तरह से बाहर निकालूँ। खुद को एनकरेज करने में उनको अभी काफ़ी टाइम लग रहा है। वैसे तो दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, देख रहे हैं आपकी तरफ कि आपकी हालत क्या हो रखी है। आप सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में, पेन में, शायद फिजिकल पेन भी हो, इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप दोनों शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बावजूद इस तरह से रह रहे हैं जैसे कि बस अब बस एंड हो गया हो, शादी का एंड जैसा दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस है, ये सीरियस बात है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इसमें शायद या तो आप ही एक तरह से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चली गई हैं या फिर वो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपने ये सोच लिया है कि बस अब जो होगा ईश्वर के हाथों देखा जाएगा, मैं अब अपने हिसाब से चलती रहूँगी या चलता रहूँगा। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, मेल फीमेल किसी भी बॉडी में आप हो सकते हैं। बात यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हाँ अब कुछ ना कुछ लेता हूँ कदम। इसीलिए द डेविल एनर्जी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी है, या तो उनके परिवार वालों ने या आपके परिवार वालों ने या कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड्स वगैरह ने या रिश्तेदार ने कुछ इस तरह का नेगेटिविटी फैलाई है, र्यूमर फैलाया है आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। उनकी फैमिली या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कुछ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक या कोई एविल स्पेल करना, किसी की ज़िंदगी को हेल बना के रख देना, इस तरह का भी आ रहा है। कोई जेलस पर्सन है जो आपको इस तरह से देख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना जिसे कहते हैं ना, वो वाला काम कर रहे हैं। तो आपके पर्सन दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कभी कभी थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेव भी कर देते हैं, अजीब से क्वेश्चंस करते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, जबकि उनको दिख रहा है कि आप पेन में हैं, सफरिंग में सफ़र कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ अकेले हैं, उन्हें सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी फिर अपने आप को दिल के गहराइयों में जाते हैं, अपना डीप डाइव करते हैं, फिर सोचते हैं कि ओहो ये तो मैंने गलत किया, फिर समटाइम कुछ टाइम बाद शायद सॉरी भी कहते हों, कुछ इस तरह का मैसेज करते हों। इतनी ज़बरदस्त एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ठीक नहीं दिख रही मुझे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है डिवाइन फेमिनाइन, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये काफ़ी टाइम से आप अलग हैं, इन जस्ट प्लीज़ बताएं ये कितने टाइम से अलग हैं, डिवाइन फेमिनाइन कितने टाइम से अलग हैं। टू ऑफ वीक्स हो सकते हैं ये, या दो साल भी हो सकते हैं, कि क्योंकि बहुत लंबे टाइम से, कई बार क्या होता है ना, दो वीक भी अगर टू वीक्स का भी टाइम आ रहा है तो ये भी टाइम ऐसा लगता है कि पता नहीं बरसों से हम किसी पेन में, जब हम पेन और सफरिंग में होते हैं तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि ये कब से, कई सालों से हम झेल रहे हैं। तो इस एनर्जी में ना रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जो शायद आपके साथ नहीं हैं, जो आपको प्यार करते थे या करती थी, कोई फीमेल समझ में आ रहा है मुझे, कोई फीमेल
बॉडी है जो आपको पसंद करती थी, आशीर्वाद देती थी, ब्लेसिंग्स देती थी, वो अभी भी हैं आपके साथ, या अगर नहीं हैं तो वो उनकी एनर्जी आपके साथ है ज़रूर। तो आपको बस यही है कि डिवाइन और डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहना चाहिए, उसी डिवोशन में बहते रहना चाहिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ ज़बरदस्त अभी टावर मोमेंट हुआ है या कोई एक्सीडेंट कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है मुझे, कोई फाइनेंशियल लॉस या जॉब का एकदम से चला जाना या चोट वगैरह लग जाना, बहुत बहुत ज़्यादा मुसीबत से आप गुजर रहे हैं। द लवर्स कार्ड आया है, आप वाकई ट्विन फ्लेम्स हैं मुझे ऐसा दिख रहा है, और इतना ज़बरदस्त प्यार, इक्वली लव है, लेकिन फिर भी वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन तभी आपके पास आते हैं, देखिए जब सेपरेशन होता है ना तो उसके बाद आप सोचते हैं ना कि रीयूनियन हो जाए, और आप सिर्फ वेट कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं और ढेर सारी वीडियोस देख रहे होते हैं, तब रीयूनियन इतनी आसानी से होता नहीं है। इसीलिए अधिकतर लोग कहते हैं टैरो रीडिंग नहीं देखनी चाहिए, एक्चुअली में तब नहीं देखनी चाहिए जब आप रीयूनियन के करीब हैं और अपने आस पास इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ बस अब मुझे खुद को स्टेप लेना है, खुद से स्टेप लेना है, अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, यहाँ टैरो रीडिंग से, जनरल रीडिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें गाइडेंस भी होती है। गाइडेंस को अपनाएं नहीं और बस यही देखें कि वो आने वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप डिज़ायर मोड में चले जाएंगे और जस्ट वेट वेट करते रहेंगे। वेट कितना करेंगे, वेट नहीं करना है, कर्म करना है, अपने अपने एक्शन लेने हैं, कि ईमानदारी से आपको अपने आप को और खूबसूरत बनाना है, माइंड को, बॉडी को, सोल को, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। मालूम है मुझे ये सब करना बहुत मुश्किल है इतने पेन और सफरिंग में, ये जो मैं बता रही हूँ, कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग ज़रूर हुई है आपके यहाँ जो कि आपको और ज़्यादा तकलीफ में डाल रही है। ये मिस हैपनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को इसलिए भुगतनी पड़ती है ताकि उनका जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, नेगेटिव जो एस्पेक्ट है, वो उभर कर ऊपर की तरफ आए, और जब वो ऊपर की तरफ आता है तब आपकी अवेकनिंग होनी शुरू होती है। अवेकनिंग होगी तो उसके बाद ही आप सोचेंगे कि हाँ अब मुझे ये काम करना है। अवेकनिंग का मतलब है कुंडली अवेकनिंग भी होगी, मन जागृत हो जाता है, आइज ओपन होने लगती हैं, और आपको ये लगने लगता है कि ओ ये सब तो कुछ है ही नहीं, असल में तो जो कुछ है दुनिया में वो सिर्फ प्यार है, और प्यार कभी भी कंडीशन में नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स भी यही कहते हैं प्यार कंडीशन में नहीं होता है, प्यार के साथ कंडीशन लगा दे कि नहीं मेरी सुनोगे, मेरी करोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, तो कभी भी प्यार वो प्यार नहीं रहता, वो एक सौदेबाजी हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो काफ़ी कुछ आपने सफ़र किया है, ये सहना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर सरफेस तक लाने के लिए ये सब सहना पड़ता है। आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे बाहर लाइए, जो भी डाउट्स हैं, आप बहुत सारा डाउट भी करती होंगी, बहुत सारे शक शुभा संदेह में भी रहती होंगी कि इनका कहीं कोई अफेयर तो नहीं है, या पहले तो नहीं रहा, ये मुझे क्यों ब्लेम करते हैं, इनके अंदर भी कुछ ऐसा होगा, ढेर सारे ब्लेम्स और ढेर सारी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी। वो नेगेटिविटी आप ये समझें कि मेरे अंदर हैं तो मुझे देखना होगा, आपको अपने अंदर देखना ही होगा। जब तक हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना तो काम कुछ नहीं होता, तो ये इनर वर्क नहीं कहलाता। एंजल से माफ़ी मांगिए, अपने ईश्वर अल्लाह ईष्ट देव को माफ़ी मांगिए, उनके कदमों में सिर झुकाइए और कहिए कि मुझे इस पेन से, इस सफरिंग से निकालिए, रोज़ निकालिए, मैं अपना ईगो ख़त्म करती हूँ। अपना ईगो ख़त्म करने के लिए ही आपके लिए ये जो ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मस्कुलाइन है, ये आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो एरोगेंट रवैया अपनाते हैं। इतना इतना मेजर मिस हैपनिंग आपके साथ हुई है, फिर भी वो नहीं आ रहे, कुछ कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, शायद थोड़ा बहुत बोलते हैं और फिर से कहते हैं कि ठीक है जो तुमने करना है करो, अचानक से पलट जाते हैं, मतलब समटाइम आई लव यू और नेक्स्ट टाइम आई हेट यू, मुझे ज़रूरत नहीं, फिर से दौड़े आते हैं, क्योंकि आपका इनर वर्क चल रहा होता है। ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी हमेशा इसी तरह से ऑन ऑफ की बनी रहती है, लेकिन हमेशा ही नहीं बनी रहेगी, लाइफ मतलब जीवन पर्यंत नहीं बनी रहेगी। इसका मतलब ये है, मैं ये समझाना वाली हूँ, ये कह रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन के भाग्य में तो ये चीज़ है, ये लिखा ही हुआ है। अगर आप वाकई डिवाइन फेमिनाइन हैं और ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना ही होगा, 3D लाइफ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये
पास्ट लाइफ कर्माज हैं, इस साइकिल को तोड़ना ही होगा। इस व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही यही है कि पास्ट लाइफ के कर्माज और रिसेंटली जो कलेक्टिव कर्माज हैं, इनसे आपको कॉर्ड कटिंग करनी ही पड़ेगी। देखिए, कॉर्ड कटिंग कई तरीक़ों से होती है, और आपको पहले अपने आप से, अपनी नेगेटिविटी से कॉर्ड कटिंग करनी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अपना ऑरा क्लींस कीजिए, अपनी रूम को क्लींस कीजिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे वीडियोस में भी हैं, तो सभी एक साथ तो अभी नहीं बता सकती हूँ। तो मतलब मेरे कहने का है कि तन, मन और धन, इन तीनों की रक्षा कीजिए। कहीं भी अपने कदम मत बहकाइए कि कोई आ गया, किसी ने ऑफर दे दिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, उससे बात कर ली। नहीं, इनर वर्क करना है तो फुली इनर वर्क करना है, बिल्कुल पूरी तरह से डिवोशन में आके। डिवाइन मस्कुलाइन ने बहुत से वादे किए और बीच में छोड़ के भी चले गए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और इसी वजह से आप अकेले हैं, लेकिन आप अपने आप को ध्यान दे रही हैं। बीच में अभी जॉब वगैरह का भी मुझे लगता है चला था, और आपने या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो ठप हो गया है। वो उसका रीज़न टावर मोमेंट आया है, मुझे दिखाई दे रहा है, टावर कार्ड आया है। जो टावर कार्ड है वो यही दिखाता है कि जो भी सब कुछ आपने बड़ी मेहनत से उगाया था, वो सब कुछ कोई और छीन के ले गया, या समझ लीजिए कि भाग्य के हाथों सब खत्म सा हो गया। क्योंकि भाग्य है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। जो भी कुछ था वो सब खत्म सा हो गया। अभी आपको लग रहा था कि ओहो, मैंने इतना स्ट्रगल किया है 1-2 साल से, तो चलो कुछ ना कुछ अपना खुद रिबिल्ड करती हूँ, अपनी सारी चीज़ें, अपना कॉन्फिडेंस, ये वो सब कुछ, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। तो इसके लिए आप कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, एक सरेंडर टू गॉड हो चुके थे, लेकिन बात अच्छी बनी नहीं। पेज ऑफ वांड्स, मस्कुलाइन आपके अभी स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और क्या वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? जस्ट प्लीज़ बताएं, डिवाइन मस्कुलाइन क्या आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? ओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द वर्ल्ड अंदर, देखिए बढ़ेंगे ज़रूर, बार बार इसी तरह से आ रहा है, द वर्ल्ड आ रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। ये यही बता रहे हैं कि सेलिब्रेशन और मिलना, रीयूनियन ज़रूर है, आपके भाग्य में है, लेकिन आपको अपने पुराने या इस टाइम के कार्मिक बैगेजेस, इधर उधर से, जैसे नार्सिसिस्ट हैं, कार्मिक लोग हैं, इन सब से कॉर्ड कटिंग करनी होगी। अपने आप को हील करना होगा, अपने ऑरास को क्लीन करना होगा, और भी ज़्यादा खुश रहना होगा, अपने लिए नए रास्ते और ज़्यादा बनाने होंगे, और स्पिरिचुअली और ज़्यादा हाई होना होगा। जब तक आप अपने आप को हायर सेल्फ में नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आप कहाँ तक पहुँची। देखिए, समटाइम क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन जब सेपरेशन में होती हैं, तो बार बार यही कहती है और सोचती हैं कि उनको कैसे हील करूं, उनको कैसे हील करूं, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन को कैसे हील किया जाए। पहले आप अपने आप को हील कीजिए। आधी अधूरी हीलिंग आपने आपकी है, और आप दूसरे को हील करने लगेंगे, तो ये काम दोनों के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। पहले फुली कॉन्फिडेंट हो जाइए। कोई बात नहीं, मुसीबतें सबके साथ आती हैं, और डिवाइन फेमिनाइन के साथ तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं, तो आप इतनी सक्षम हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकें। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अभी भी ठीक नहीं दिख रही है। ओ माय गॉड, डिवाइन, ओ माय गॉड, डिवाइन मस्कुलाइन, देखिए ये रिवर्स में आया, अभी बिल्कुल भी आने के लिए नहीं है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और डिवाइन फेमिनाइन अभी काफ़ी तकलीफ़ में है। तो आपको बस इनर वर्क करते रहना है, और डिवाइन मस्कुलाइन भी पेन में है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही डायरेक्शन क्या है, मैं किस तरह से तुम्हारे पास आऊँ, वो नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को उसके आपके अकॉर्डिंग नहीं लेकर आ पा रहे हैं। करना तो चाहते हैं, वो चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी डिवाइन टाइम ऐसा आया नहीं है कि वो आपकी तरफ आ जाए। तो इतने सारे कार्ड्स में से डिवाइन मस्कुलाइन की जब भी बात हो रही है, वो रिवर्स में आ जा रहे हैं, या फिर फेस ही रिवर्स आ जा रहा है उनका। और आपके लिए देख रही हूँ तो वो सारे स्ट्रगल, टावर, ये सब आ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन फिर कब तक आएंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद छोटी मोटी बात हो भी रही होगी, क्योंकि आपके साथ कुछ ज़बरदस्त मिस हैपनिंग मुझे दिखाई दे रही है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे, बट जस्ट हेलो हाई कर रहे हैं, टेक केयर कह रहे हैं, जैसे एक पड़ोसी कहता है एक दूसरे को, अच्छा अपना ध्यान रखना, अच्छा, तो वैसे ही वो बात कर रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे ये मेरे हस्बैंड हैं क्या हैं, या मेरे स्पाउस हैं, क्या कर रही हैं ये क्या मजाक है। लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन की ये सोच आती है कि यार, मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं कर क्यों नहीं पा रहा। इसके लिए यही है एक तरीका डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि अपने हायर सेल्फ में आने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा पूजा, प्रार्थना, इबादत की ज़रूरत है, सरेंडर टू गॉड की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने ईगो को ख़त्म करते जाएं। सभी कहते हैं हमने सरेंडर टू गॉड कर दिया, लेकिन डिज़ायर क्यों है फिर?
डिज़ायर को भी हटाते जाएं, फिर ईगो को, ईगो क्यों है आपका कि नहीं आपको ये करना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ईगो भी छोड़ दें, छोड़ दीजिए सब कुछ, ये ईगो, ये डिज़ायर, माना होती है, ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार करके देखिए, रीयूनियन 100% होता है। कहना मानिए, मान जाइए कि डिज़ायर ना रखें किसी भी चीज़ की, जो होगा वो ज़रूर बहुत अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है, जो डिवाइन टाइम करता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, मेरी तो आप मानेंगे नहीं, ये क्या कह रही है कितना सही, छोड़ दें ट्विन फ्लेम जर्नी को, छोड़ा ही नहीं जा सकता जब आप बने एक दूसरे के लिए, कैसे आप खुद से छोड़ देंगे, छोड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस अगेन हाई प्रेस्ट, आपके लिए गाइडेंस ये है कि इंटेंट एंड क्रिएट। देखिए जो भी कुछ है वो आपके साथ है, आपके पास है, उसको क्रिएट करें। मून टेक नोट इंट्यूटिव मैसेज, जो भी तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपके मन से अंदर से, उसको उन मैसेजेस को नोट करके रखें और सोचें कि मुझे ये मैसेज इस टाइम क्या मैसेज दे रहा है, ये जो पंख मुझे मिल रहे हैं गार्डियन एंजल्स के थ्रू, तो ये मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं ये आपको देखना होगा, मेरे अंदर क्या इस टाइम विचार आ रहा है, क्या मुझे एक कोई अचानक से सपना आया या क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों को डिकोड करना सीखिए, खुद से सीखिए, ज़रूर आता है, कहीं और कोई किसी से पूछने जाना नहीं पड़ता, मानिए मेरी बात। और जब भी आपको ये फेदर्स मिलते हैं किसी भी तरह के, तो उस समय थैंक यू कहिए, एंजल्स को थैंक यू कहिए, क्योंकि एंजल्स आपके आसपास होते हैं। सो डोंट वरी, अपना इनर वर्क लगातार जारी रखें और हमेशा खुश रहें, यही मैं आपसे दुआ करती हूँ। अगर आपके साथ वाकई कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रे करती हूँ एंजल्स से कि हे ईश्वर इन्हें ठीक रखें, ताकि ये अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, बड़ी खूबसूरत जर्नी है, आपको एक सही मायने में इंसान बनाती है, तो एंजल्स इनकी रक्षा करें, इनके परिवार की, इनके बच्चों की रक्षा करें और इनका रीयूनियन जल्द से जल्द करवाएं, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।